तो भाई वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी चीजें दिखा रहे हैं ये लोग, डॉक्टर स्ट्रेंज के मोटो से लेकर द अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिजार्ड। पर हम अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना नहीं चाहिए, इसमें बस ये एक्ट्रेस ही सेम होंगे, उनके कैरेक्टर्स नहीं, क्योंकि ये लोग इसमें अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जैसे देखो इसमें डॉक्टर कॉनर्स के दोनों हाथ ठीक है, और ये भाई साहब तो वेनम के मारने पे तुले हुए हैं। क्या बोला तूने? मतलब वेनम को मारने पे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो इन भाइयों को साइड में रख के ट्रेलर पे फोकस करें तो स्टार्टिंग में एडी को दिखाया गया है जो नॉर्मली चल के आ रहा है, मगर इसमें इंटरेस्टिंग है उसका शर्ट। कुछ ध्यान में आया, ये वही सेम शर्ट है जो एडी स्पाइडरमैन नो वे होम में पहना हुआ था। तो मतलब ये मूवी सीधा उस इवेंट के बाद ही टेक प्लेस करने वाली है। और यहाँ शुरुआत में ही हमारे वेनम को अपना फेवरेट खाना मिल गया। और साथ में इस बार हमें मूवी में बहुत सारे सिम्बायोट देखने वाले हैं, जिनमें से एक होगा टॉक्सिन, जो हमें वेनम 2 मूवी में टीज कर दिया गया था। और सुनने में आ रहा है इसमें स्किम नाम की एक सिम्बायोट भी होगी, जिसका होस्ट एक लड़की होने वाली है, जो कि इस मूवी में एडी की लव इंटरेस्ट बनने वाली है। पर इन सब में इस सीन ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, जहाँ ये मोडो वाला कैरेक्टर हमारे वेनम के एक टुकड़े को पकड़ रहा है। ठीक है, मगर ये जगह दिख रहे हो, ये वही बार और बारटेंडर है जो नो वे होम मूवी में था, मतलब एमसीयू में। तो क्या ये मतलब मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं वेनम को पकड़ने के लिए? ना, इन लोगों के पास टाइम ट्रेवल करने का पावर कहाँ से आया? जरूरी ये सीन दिखा के हमारी काट रहे हैं सोनी वाले, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं ये लोग। जैसे मॉर्बियस के ट्रेलर में स्पाइडरमैन को दिखा के मूवी में उसका कुछ अता पता ही नहीं। देखना ये सीन भी मूवी में नहीं होगा, वरना ये लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसे। और ट्रेलर के एक सीन में हमें मीटियोर जैसे कुछ गिरते हुए दिखाया गया है, जहाँ वेनम एडी से कह रहा है मेरी दुनिया वालों ने हमें ढूंढ लिया, और ऐसा पॉसिबल हो पाया वेनम की वजह से, क्योंकि सारे सिम्बायोट्स एक दूसरे से अपने हाइप माइंड से जुड़े होते हैं, जिससे किसी एक सिम्बायोट को अगर कुछ पता चलता है तो वो इन्फॉर्मेशन सारे सिम्बायोट्स को पता चल जाएगा। और यहाँ जो हमें क्रिएचर दिख रहा है ये है जेनोफेज, जो सिम्बायोट्स के होस्ट को खाता है। तो मतलब इस बार एडी की लगी पड़ी है हर तरफ से। और कुछ दिनों पहले से ही ये रूमर घूम रहा है कि इस मूवी में पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन होने वाला है, जो कि अभी 10 साल का बच्चा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है मूवी में। ओवरऑल मुझे तो मजेदार लगा ये ट्रेलर, जिसमें ये हॉर्स वाला सीन मुझे सबसे ओपी लगा। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, यहाँ तक देख रहे हो तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और अगर आपको जानना है डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन के फाइट में कौन जीतेगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मूवी के आने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। मैं चलता हूँ, बाय।